मैं अपने वालिद के साथ बड़ी छोटी सी उम्र में काम कर रहा था। हमारे हालात ऐसे थे कि मैं मुकम्मल पढ़ाई नहीं कर सका, ठीक है ना। तो मैं अपने वालिद के साथ स्कूल के हाफ टाइम में मैं अपने वालिद का हाथ बटाता था। लोग हाफ टाइम में चीज़ें खा रहे होते, मैं अपने वालिद के समोसे भर के चला जाता था जो 12:30 बजे तक चलते थे। 12:30 के बाद फिर मैं वापस 1:30-2 बजे तक बना देता था, फिर वालिद का लंच लेके आता था। इस तरह हम लोगों ने एक छोटे से केबिन से काम शुरू किया था। उस वक्त ये इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी, उस वक्त जो है ना सिर्फ पकौड़े होते थे, आलू के समोसे, मिर्चों के पकौड़े, आलू के पकौड़े और ये कीमे के समोसे होते थे। ये तकरीबन 5 आइटम होती थी, उसमें हमारा गुजर बसर होता था। वक्त और हालात के साथ हालात बदलते गए, हमने एक छोटे से केबिन से जो है वो हम इसमें दुकान ली हमने, और दुकान लेने के बाद ये टोटल अरसा जो है 1970 से हमने ये शुरू किया सारा, जो केबिन से दुकान में पहुँचने तक मतलब 53 या 54 ईयर्स हो गए इसको। जितने कराची में मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का कि ये मेरे स्टूडेंट निकलेंगे, क्योंकि इस काम की बुनियाद हम लोगों से ही, हमारे मामू जो है सदर में, वो 1885 की दुकान है उनकी, ये हमारा खानदानी काम है। हम इसमें बाकायदा उसको चैलेंज करेंगे पूरे कराची को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक है? मैं हूं शहजाद मेमन भाई। मेरी माँ और बहनें तैयारी पकड़ लें, रमजान के लिए वीआईपी चीज लेके आ गया हूं। आपने अब बनाने की जरूरत खत्म, और कराची की सबसे मशहूर दुकान ढूंढ के निकाल के लेके आया हूं सिर्फ आप लोगों के लिए। जी वो भी क्या चीज है, यानी आप घर में बैठते थे रमजान के लिए, भाई रोजे के लिए पकौड़े बनाओ, समोसे बनाओ, भरो लपेटो, बड़ी मुश्किल मसाइल होते थे भाई, बच्चे तंग कर रहे हैं। अब सारी टेंशनें दूर, भाई टेस्टी निम्को आपके लिए लेके आ गया है बने बनाए रोल, बने बनाए समोसे। जी मेरी माए बहन है, बिल्कुल खालिस और साफ सुथरे तरीके से बनाया जा रहा है। और टेस्टी निम्को का एक नाम और एक अपना मुकाम है। टेस्टी निम्को के जो ऑनर है हुसैन भाई, हुसैन भाई बताएंगे भाई क्या चीज लेके आ गए हैं। मगर हुसैन भाई के पास जाने से पहले मैं आपसे एक दफा जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा, मैसेज जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। हुसैन भाई के पास चलते हैं और हुसैन भाई से पूछेंगे। हुसैन भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हुसैन भाई? ठीक है, आप तबीयत ठीक है आपकी? हुसैन भाई हमारी माए मैंने रमजानों में बहुत सारी चीजें बनाती थी, बहुत परेशानी होती थी, बच्चे तंग करते थे। जी जी जी। आपने बिल्कुल मसला ही हल कर दिया, ये क्या जादू कर दिया आपने? सर कोशिश की है, अल्लाह पाक ने बहुत कामयाबी दी है, बहुत उसका मालिक का एहसान है, शुक्र है। और इंशाल्लाह ताला आप लोग के तवज्जो से लोग आएंगे, बिल्कुल, और जो लोग लेके जा रहे हैं तो इंशाल्लाह चीज पसंद आएगी और उनका दिल नहीं दुखेगा। मेरी माँ और बहने ये हैं टेस्टी बर्गर, टेस्टी निम्को के ऑनर हुसैन भाई। हुसैन भाई के पास आइएगा, हुसैन भाई को बोलेगा कच्चे रोल, कच्चे समोसे, बिल्कुल हर किस्म के। और साथ एक और बात बता दूं, एक इमली की चटनी आती है वो मत भूलेगा, क्योंकि वो बड़ी कीमती और बहुत अच्छी है। और हम हुसैन भाई से मांगेंगे, बोलेंगे भाई वो हमें भी खिलाएं और टेस्ट करवाएं कैसे। तो हुसैन भाई को चलते हैं, पहले आपको दुकान का विजिट करवाते हैं और हुसैन भाई बताएंगे क्या क्या चीजें, और बिल्कुल होलसेल प्राइस है और बिल्कुल मार्केट से कम प्राइस पे। टेस्टी निम्को भूलेगा मत, एड्रेस मौजूद है वीडियो के एंड में, एड्रेस और नंबर मौजूद होगा। चलते हैं हुसैन भाई के साथ। हुसैन भाई चलिए। रमजानों के लिए हम सारे फ्रोजन आइटम ले आए हैं, तमाम रेंज हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर कबाब भी हैं सहरी के लिए और इफ्तार के लिए, फ्राई आइटम में समोसे, रोल, वॉन्टन, वन बाइट समोसे, चिमीचांगा, बारबेक्यू समोसे, मलाई बोटी रोल, सारी आइटम हमारे पास हैं। और आप ऑल ओवर कराची के अंदर घर बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो प्राइजेस हैं वो सबसे पूरे कराची से आप यहाँ की देखेंगे तो कम है, और माशाल्लाह से हमसे लोग ले जाके भी आगे सेल आउट भी कर रहे हैं। हाँ तो ये भी है, तो आप अगर करना चाहें, हाँ बिल्कुल आ जाएं, हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा ये सर बीफ के शामी कबाब हैं रेशे वाले, ये 12 पीस का पैकेट होता है 450 का। अच्छा सर ये वॉन्टन है, चिकन वॉन्टन, इसमें चिकन होती है और चीज होती है, ये 200 रुपए में 12 होते हैं। 12 पीस? जी जी 200 रुपए में 12, हल्का सा फ्राई करने रेडी हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा ये
चिकन के बच्चों के स्टार वाले नगेट हैं, शेप वाले, ये 10 पीस का पैकेट होता है, ये 320 का है। अच्छा सर, ये चिकन समोसा है, ये 12 पीस का बॉक्स होता है, 300 रुपए का, सही है। अच्छा इसमें ये बीफ समोसा है, ये भी 12 पीस का बॉक्स होता है, 300 रुपए का। बीफ साफ सुथरा होता है, हमारे अपने घर में हम खाते हैं, और यहाँ फ्राई हुआ भी होता है, आप पहले टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर आके कहता है मैं टेस्ट करवाएं, हमारे पास फ्राई भी मौजूद होता है, तो आप उसको चेक करके भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये सर चिकन क्रिस्पी रोल है, ये ब्रेड क्रम के साथ होता है, 12 पीस का पैकेट होता है, 350 रुपए का, सही है। अच्छा इसके अलावा ये चिकन के वन बाइट समोसे होते हैं 24 पीस, ये लोग हमसे ले जाके बच्चों को लंच में बहुत देते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, लंच में फ्राई करके लोग देते हैं, तो ये 24 पीस का डब्बा 350 का है जी। ये चिकन समोसे हैं वन बाइट जी। अच्छा इसके अलावा सर ये चिकन वेजिटेबल रोल है, इसमें ये चाइनीज रोल भी कहलाते हैं, ये 12 पीस का बॉक्स है, 300 रुपए का। अच्छा इसके अलावा सर ये बच्चों के लिए चिकन लॉलीपॉप होते हैं जी, ये 6 पीस का पैकेट होता है, प्योर चिकन में बना हुआ है, 280 रुपए का ये जी, ये 6 पीस होते हैं ये प्योर चिकन में। ये इसके अलावा ये बेरी बाइट्स की होती हैं, बेरी बाइट्स ये चिकन की होती हैं, इसमें चिकन और चीज होता है, ये 6 पीस होते हैं 280 में जी। अच्छा बाकी ये सर हमारे नॉर्मल नेगेट्स होते हैं, ये 12 पीस का डब्बा है 280 का, वैसे आम नेगेट 350 के भी हैं, ब्रांड के 400 के भी हैं, हमारे 280 के जी, ये 12 होते हैं। अच्छा ये क्या है? ये सर चिकन के विंग्स हैं, ये पूरे केएफसी स्टाइल के विंग्स बनाए हुए हैं, ये 5 पीस का बॉक्स होता है, 330 रुपए का जी। विंग्स का टेस्ट बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये डायनामाइट चिकन होती है, ये डायनामाइट चिकन है, ये सॉस को हटा के एक पाव चिकन है, 400 रुपए की है, और इसमें साथ में सॉस भी होता है जी, ये भी पूरा क्रिस्पी बनेगा फ्राई होने के बाद। अच्छा इसके अलावा हमारे पास तैयार में ये फ्रेंच फ्राइज भी हैं, ये सर हाफ डन हुए भी होते हैं, जैसे ये दूसरी कंपनी वगैरह के हैं ना, ये भी वैसे ही क्वालिटी के बनेंगे फ्राई होने के बाद जी। आधा किलो का पैकेट होता है ये, और ये 220 रुपए का, 220 रुपए का जी। अच्छा इसके अलावा ये चिकन के फिंगर हैं, पूरे चिकन के होते हैं, ये 12 पीस का बॉक्स होता है, 400 रुपए का ये जी। अच्छा सर ये चिकन के कटलेट्स होते हैं, ये अंडे में डीप होकर फ्राई होते हैं, और ये हमारे भोरा कटलेट्स के नाम से बहुत मशहूर है हमारे तकरीबात में, और लोग बहुत बनवाते हैं ये, और ये आप लोगों में भी बहुत लेके जाते हैं लोग, और ये आइटम बहुत अच्छा है, अंडे में डीप करके फ्राई करें, रोटी के साथ खा लें, वैसे खा लें, 12 पीस है 450 के। अच्छा ये आलू के वन बाइट समोसे हैं, आलू का जो हमारा मसाला होता है ये हमारा एक अलग रेसिपी से बनता है, तो लोग बाद आलू वाले ज्यादा नहीं पसंद करते, लेकिन हमारे यहाँ से आपने एक दफा खा लिए आपको बहुत पसंद आएंगे। ये 24 पीस का डब्बा होता है, 250 का जी, जो एक दफा माशाल्लाह लेके जाते हैं वो दोबारा डिमांड करता है हमसे आगे, यार ये चाहिए। अच्छा एक आइटम हमारा ये सिग्नेचर आइटम है, ये चिकन चिमिचांगा है, हॉट सेलिंग आइटम है, ये 6 पीस का बॉक्स होता है, इसमें चिकन चीज और लाइट वेजिटेबल होती है, ये 280 रुपए का जी, 6 पीस होते हैं, बड़े पीस होते हैं ये जी, मतलब आपने एक खा लिया तो आपका पेट भर जाएगा जी जी। अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो है, अच्छा सर ये हमारे पास होते हैं चिकन चीज क्रिस्पी रोल, ये ब्रेड क्रम वाले होते हैं, ये भी आप फ्राई करें, और 12 पीस का पैकेट होता है, ये 350 का ये जी। अच्छा इसके अलावा यही चीज में समोसे, कोई लोग समोसा पसंद करते हैं तो समोसा भी है उसी मसाले में, ये भी 12 पीस होते हैं, 350 के जी। इसके अलावा चिकन बारबेक्यू समोसा है, ये प्योर चिकन में होता है और सॉस वाला होता है, ये हमारा बहुत चलता है, ये 12 पीस है, 450 के, माशाल्लाह से इसके लिए लोग डिफेंस क्लिफ्टन और मलिर से भी आते हैं जी, ये बिल्कुल कंफर्म बात है, ये इसमें कोई वो बात नहीं है। इसके अलावा ये जो हमारा आइटम है, ये मलाई बोटी रोल है, ये भी बहुत अच्छा है जायके में, ये भी 12 पीस का पैकेट है और 450 का ये। अच्छा सर ये हमारे पास होते हैं चिकन हॉट शॉट्स, ये तकरीबन 13-14 पीस होते हैं और एक पाव वेट में होते हैं, ये 400 रुपए का पैकेट है जी सर, 400 रुपए का ये। अच्छा इसके अलावा ये चिकन आलू कबाब है, ये अंडे में डीप करके फ्राई होते हैं, ये भी हमारे बड़े मजे के बनते हैं, घर जैसे जायका होता है, ये 6 पीस का बॉक्स होता है, 200 रुपए का जी। अच्छा इसके अलावा सर ये चिकन के चपली कबाब होते हैं, इसका साइज देखें आप, बड़ा साइज होता है, प्योर चिकन में बनते हैं, 6 पीस होते हैं, 450 रुपए के, बेहतरीन जायका होता है। अच्छा सर इसके अलावा
ये छह पीस में चिकन सीख कबाब होते हैं, ये 350 गए जी। इसके अलावा सर ये 12 पीस में सीख कबाब होते हैं चिकन में, ये आपके 550 गए। अच्छा ये चिकन चीज बॉल है, ये भी हमारा बहुत जबरदस्त आइटम है, इसमें प्योर बीच में चीज होती है और पूरा चिकन में बनता है, आलू नहीं है इसमें। हाँ ये 12 पीस का डब्बा है 450 का जी। ये चिकन 1 बाइट रोल है, ये भी प्योर चिकन में 2 दर्जन का बॉक्स होता है, ये 400 का है। ये ब्रेड में बने हुए होते हैं, ये पिज्जा पफ कहलाते हैं, इसमें चिकन चीज और सॉस होती है और ये 12 पीस हैं 400 रुपए के। इसके अलावा ये चिकन के डोनट्स होते हैं, ये भी प्योर चिकन में होते हैं, ये 12 पीस है 450 के जी। अच्छा इसके अलावा जितने भी हमारे आइटम है ना, अगर वो चिकन में है तो चिकन में हर में अलग मसाला है, अलग रेसिपी है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ना एक ही मसाला 2-3 चीजों में हमने डाला हुआ, अलग अलग रेसिपीज होंगी, सबको एक अलग जायका होगा। अच्छा ये चिकन के कोफ्ते हैं, ये आपके 12 पीस के हैं 450 के, ये आप ग्रेवी बना लें तैयार उसमें डाल दें आप। अच्छा ये बीफ के चपली कबाब होते हैं, चपली कबाब भी बहुत जबरदस्त बनते हैं आप, ये 6 पीस का पैकेट होता है 400 रुपए का। गोश्त की क्वालिटी साफ सुथरी होती है और जायका भी बहुत अच्छा होता है जी। इसके अलावा ये चिकन स्टिक होती है जी, ये अफ्तार के अंदर बहुत चलती है, रमजानों का बहुत जबरदस्त आइटम है ये, ये 6 पीस का पैकेट होता है 450 का जी। इसके अलावा 2 आइटम हमारे और हैं, पराठे भी होते हैं और पूरी भी होती है। हाँ वो भी दिखा देते हैं एक पराठे का। अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो है ये मांडा पट्टी भी होती है, इस तरह पैकिंग में भी होती है, लूज भी होती है, ये 1 केजी का पैकेट होता है, इसमें आपके 80 से 85 समोसे बनेंगे जी, ये 320 रुपए का है, सही है जी। अच्छा इसके अलावा ये फ्रोजन पूरी भी होती है, ये 10 पीस का पैकेट होता है 200 का। इसके अलावा ये पराठे भी होते हैं घर के बने हुए, ये सादे वाले हैं और ये 200 के हैं 6 पीस, और लाल आटे के अंदर भी पराठे होते हैं, ये लाल आटे वाले हैं 6 पीस हैं, ये 220 के। और बताएं। अच्छा ये चिकन के शामी कबाब हैं, घर के बने हुए रेशे वाले कबाब हैं, इसमें बराए नाम दाल हम लोग डालते हैं क्योंकि दाल कबाब के साथ थोड़ी होती है तो बहुत कम क्वांटिटी में डालते हैं। ये 500 रुपए का होता है। कितने पीसों में? इसमें 12 होते हैं। और ये बीफ का है ये 470 का हो गया, अभी पुराने रेट से 450 का दे रहे हैं, तो 2-4 दिन में इसके 470 हो जाएंगे। सही। ये कितने पीस का है? ये 12 है सर, दोनों में 12-12 है। अच्छा इसके अलावा ये चिकन चीज कॉर्न होती है, इसमें मैक्रोनी होती है, स्वीट कॉर्न होते हैं, चीज होती है, चिकन होता है, लाइट वेजिटेबल होती है, ये 6 पीस का पैकेट होता है 270 रुपए का, 270 रुपए 6 पीस का पैकेट होता है बाकी। अच्छा इसके अलावा हमारा पूरे कराची के अंदर जो है ना होम डिलीवरी सर्विस भी है, हमारी वेबसाइट भी बनी हुई है www.tastynimco.com के नाम से, और हमारे व्हाट्सएप के ऊपर नंबर्स भी हैं, उसके ऊपर भी हम ऑर्डर लेते हैं तो वो आपको हम नंबर बता देंगे। और इसके अलावा भी देखें हमारे ऑनलाइन ऑर्डर सारे जा रहे हैं, लेकिन ये सारे ऑर्डर हैं, इसमें मलीर है, डिफेंस है, क्लिफ्टन है, कोरंगी है, सारे ये जा रहे हैं अभी अभी जी जी। ये देखें सारे आइटम्स इसमें रखे हुए, ये देखें ये सारे जा रहे हैं अभी। डिलीवरी चार्जेस क्या होते हैं? डिलीवरी चार्जेस सर नॉमिनल हमारे हैं एरिया के हिसाब से। अब जैसे गुलशन में आप मंगवा रहे हैं, अब आपका अगर आके हमसे लेते हैं तो आपका 350-400 रुपए का पेट्रोल भी जल रहा है, उसके अलावा आपका टाइम भी खप रहा है। आप हमसे मंगवाएंगे, हम गुलशन में 250 रुपए में डिलीवरी कर देंगे आपको। पैकेज क्या है आपका? अच्छा पैकेज हमारा ये है सर कि अगर आप 3,000 की हमसे शॉपिंग करेंगे तो हम आपको एक मोन्टोन गिफ्ट कर देंगे जी। सही है, तो आप हमसे शॉपिंग करें और आप तो हम आपको ये चीज भी दे देंगे जी। आगे और कौन से समोसे जी? और ये सर अभी हमने आपके चैनल के तवसुल से करा है, अभी तक हमने कहीं पे भी ये नहीं मेंशन किया था, आपके तवसुल से ही हम पहुंचा रहे हैं ये चीज। सही है जी। अच्छा इसके अलावा सर ये चिकन अरबिक समोसा है हमारा, ये चिकन है इसके अंदर प्योर और वाइट सॉस होती है, और ये 6 पीस का बॉक्स होता है, ये 300 रुपए का है। अच्छा अच्छा अब हमने आपको फ्रोजन आइटम जो है वो दिखा दिया सारा। अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो है वो निम्को के भी तमाम आइटम होते हैं, तमाम रेंज होती है, तो वो अब हम आपको दिखाते हैं। अच्छा निम्को के अंदर जो है वो ये शुरू में ये सारे स्नैक्स आइटम है, ये टॉप ऑफ्स है, रिंग है, सादे रिंग है, ये टॉप ऑफ्स हैं, उसके अलावा फिर ये मसाले वाले रिंग है, सादे रिंग है, मसाले वाले छोटे रिंग है, और ये सादे छोटे रिंग है।
ये सारे आइटम के पैकेट जो है ये सारे 50-50 वाले हैं, सारे 50-50 के, कोई भी ले लें, दोनों 50 वाली है। अच्छा, इसके अलावा अभी हमारे ये रमजान शरीफ आ रहे हैं तो उसके अंदर दही बूंदी होती है बारीक वाली, मोटी वाली, तो वो भी है। अच्छा, ये बारीक दही बूंदी है, ये डायरेक्ट दही में डलेगी और इसको आप बना लें। ये 180 रुपए का पैकेट है 200 ग्राम का, इंस्टेंट वाली है ये। अच्छा, इसके अलावा ये बड़ी वाली दही बूंदी है जी, ये 200 ग्राम होती है, ये भी 180 की है। एक किलो दही ले लें, इसमें काफी है एक पैकेट। अच्छा, इसके अलावा ये शकर पारे होते हैं खस्ता जी, ये 200 ग्राम होते हैं 160 के। अच्छा, इसके अलावा ये छोटी पापड़ी है खस्ता, ये भी 160 रुपए की है जी। अच्छा, इसके अलावा ये छोटी पापड़ी है, ये दही बड़ों में, छोलों में, चाट में डाली जाती है, ये भी ऊपर से डाल के खाएं तो बड़ा मजा लगता, मजे की लगती है, ये 160 रुपए की है। इसके अलावा ये स्पाइसी पापड़ी होती है, इसमें खाऊ से बना लें या उसमें दही बड़ों में ये भी डालें, ये भी 160 रुपए की है। इसके अलावा ये हमारे पास बड़ी पापड़ी भी होती है, ये सर 80 रुपए का पैकेट है जी, इसमें सर तकरीबन 10 पापड़ी है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और ये अचार होता है, मिर्चों का अचार होता है जी, ये दो, ये सर कंपनी का बना हुआ है लेकिन एक अच्छा मतलब वो है तो हम इसको रख रहे हैं। सही, ये 250 रुपए का, इसमें मिर्चों का भी है, इसमें ये मिक्स भी है, इसमें ये इमली वाली चटनी भी है, इसमें आलू बुखारे की चटनी भी होती है जी 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 जी। इसके अलावा हमारे पास चिप्स होते हैं और निम्को के आइटम होते हैं सारे, और गाठिया होता है, सीओ होती है जी। ये सादे चिप्स होते हैं, ये 180 के जी, ये पैकेट है, इसमें 160 ग्राम होता है। और ये चिप्स ऐसा है कि आप 15 दिन भी रख दें तो ये हीक नहीं मारेगा और गले में नहीं लगेगा, सबसे बड़ी बात ये है। घी बहुत अच्छा यूज हुआ है, ये मीजान घी में बना हुआ है, इसके अलावा और कोई नहीं है। और ये क्रिंकल वाले भी हैं, ये भी 180 के। और अभी ये हमारे पास जो है ना, जैसे ये प्रिंकल चिप्स जो आए हुए, ये उस तरीके में प्रिंकल भी आए हैं ये जी। ये 200 रुपए का पैकेट होता है, इसमें 100 ग्राम वेट होता है जी, इसमें ये स्पाइसी है, इसमें सादे भी होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये मिक्स निम्को होता है, ये 400 ग्राम की पैकिंग में होता है, 360 रुपए का ये जी। अच्छा, इसमें ये छोटी पैकिंग भी होती है, ये 200 ग्राम वाली होती है, ये 180 की है जी। और ये दाल मोड है, ये है 200 ग्राम का पैकेट, 180 का जी। ये मीठा चेवड़ा है, ये होता है, ये भी 200 ग्राम का पैकेट है, 180 का जी। अच्छा, इसके अलावा ये दाल होती है सर मूंग की, ये होती है 200 ग्राम, ये भी 180 की है जी। अच्छा, ये पीनट है मसाले वाले, ये 200 के जी। ये सादे हैं, इसका भी ये भी 200 के जी। अच्छा, इसमें ये बेसन वाले भी होते हैं, ये भी 200 की होती है। इसमें ये लाल वाली होती है, छिलके वाली, ये भी 200 रुपए की होती है। अच्छा, ये इसमें दाल से फली वाला निम्को होता है, ये भी बड़ा स्पेशल होता है, लोग हमसे ले जाके बाहर मेहमानों में और गिफ्ट भी करते हैं, और लाहौर पंजाब और ये सारे आइटम हमारे निम्को के भी जाते हैं, तो ये 200 ग्राम का पैकेट है, 180 का। और हम निम्को के जो आइटम है, अगर आप हमसे कहेंगे कि हमें कुरियर करा के आप पंजाब भेज दें या लाहौर भेज दें, तो हम ये भी करते हैं, हम कुरियर कर देते हैं। अच्छा, बेलपूड़ी होती है जी, ये बेलपूड़ी है, ये हमारे पास इसका मिक्सर तैयार होता है, चटनी और आप तैयार करके इसको बना ले घर में, ये 200 ग्राम होती है, 180 के जी। इसके अलावा ये पापड़ी गाठिया होते हैं जी, ये 200 ग्राम होते हैं, 180 के जी। अच्छा, इसके अलावा ये बारीक गाठिया होते हैं जी, ये 200 ग्राम होते हैं, 180 के जी सर। अच्छा, इसके अलावा ये मसाले वाले सेव होते हैं, तिक्खा सेव, ये भी 180 के होते हैं जी। और हमारे पास ये बारीक सेव होते हैं, ये भी 200 ग्राम होते हैं, 180 के जी। हाँ, ये खजूर भी होती है, ये भी रमजान के हिसाब से जो है वो हमारे पास खजूर भी है, तो ये एक पाव का डब्बा होता है, ये 120 का है जी, 120 का। सर आगे आप हैदरी पे डॉलमेन मॉल जो है वहाँ पे आएंगे तो वहाँ से थोड़ा सा और आगे आके लेफ्ट पे कट आ रहा है, डबल रोड अंदर आ रहा है, बस वो रोड पे अंदर आए और टेस्टी निम्को हमारा बोर्ड लगा हुआ है, आप देखेंगे आपको नजर आ जाएगा, और नाम देख लीजिएगा, और भी लोग हैं तो नाम देख के आइएगा, चीजें इंशाल्लाह आपको अच्छी मिलेंगी हमारे यहाँ से। ऑनलाइन का क्या तरीके का? हाँ, ऑनलाइन के लिए सर हमारी जो है वो वेबसाइट भी है,
www.tastynimco.com और इसके अलावा हमारे नंबर्स भी हैं, वो हम नीचे डाल देंगे उसमें। अच्छा, जी ऑनलाइन अदर सिटी के है? ऑनलाइन जो है सर वो ऑल ओवर कराची है, इसके अलावा हैदराबाद पे भी हम भेज देते हैं, तो हैदराबाद के लिए भी अगर कोई लोग हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम भेज देंगे फ्रोजन आइटम भेज देंगे। जी यानी अदर सिटी के लिए नहीं? हाँ, हैदराबाद के अलावा और कोई सिटीज भी नहीं, क्योंकि फ्रोजन है फिर वो ज्यादा टाइम लगेगा, पहुंचेगा खराब होगा, वो चीज सही नहीं है। जी इमली की चटनी, आलू बुखारा, भाई रमजान के लिए आ गई है मेरी माओ बहनों के लिए क्या चीजें। हेलो, वो टेस्टी, नाम भी टेस्टी, वो चीज भी टेस्टी, वाह भाई वाह, क्या नाम रखा हुसैन भाई ने। आप आ गए, अबे थोड़ा सा खाने तो देते यार जहीर भाई। भाईजान वाकई में टेस्टी दुकान का नाम तो है, वो वाकई टेस्टी है, यकीन मानो। ये खाने के बाद मुंह में पानी आ गया, दिल चाह रहा है कि मैं ये देखनी है सब खा जाऊं। तो मेरी माए बहन आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? वीडियो तो एंटीक है ना, अच्छी खूबसूरत है। मैं हमेशा वो चीज लेके आता हूँ जो मेरी माँ और बहनों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपका सारा मसला आपका भाई हल कर देता है ना, तो समझती है ना। मेरा एक डायलॉग जरूर रखता हूँ मैं कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना, मैसेज जरूर कीजिएगा। तो मेरी बहन आपको वीडियो तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इनकी चटनी बहुत अच्छी है। हाँ हाँ हाँ, ये देखें, ये आलू बुखारे भी है इसके अंदर। हाँ ये देखें, ये देखें, आपका मुंह पानी तो बहुत आ रहा हुआ, चीज ही ऐसी है। तो भाई मैं ये खा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, सही है। और ये टेस्टी इनको इनके पास जरूर आएगा, ये नाम के भी टेस्टी है और चीज भी टेस्टी है वाकई में। तो मैं ये खा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देखें। राज भाई हम ऐसे जाएंगे नहीं जब तक आप वो करेंगे नहीं। अच्छा हाँ भाई, ये देखें, बहुत बहुत मजेदार है, लेकिन मैं मेरा दिल नहीं चाह रहा उससे बात करने को, मेरा दिल चाह रहा है बस खाता रहूं। मैं ये खा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देखें।